सियार की बुद्धिमानी। एक समय की बात है कि जंगल में एक शेर के पाँव में कांटा चुभ गया, पंजे में जख्म हो गया और शेर के लिए दौड़ना असंभव हो गया। वह लंगड़ा कर मुश्किल से चलता। शेर के लिए तो शिकार करने के लिए दौड़ना जरूरी होता है, इसलिए वह कई दिन कोई शिकार न कर पाया और भूखे मरने लगा। कहते हैं कि शेर मरा हुआ जानवर नहीं खाता, परंतु मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। लंगड़ा शेर किसी घायल अथवा मरे हुए जानवर की तलाश में जंगल में भटकने लगा। यहाँ भी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, कहीं कुछ हाथ नहीं लगता। धीरे धीरे पैर घसीटता हुआ वह एक गुफा के पास आ पहुंचा। गुफा गहरी और संकरी थी, ठीक वैसे जैसे जंगली जानवर के माथ के ऊपर में काम आती है। उसने उसके अंदर झांका, माथ खाली थी, पर चारों ओर से उसे इस बात का प्रमाण नजर आए कि उसमें जानवर का बसेरा है। उस समय वह जानवर शायद भोजन की तलाश में बाहर गया हुआ था। से चुपचाप दुबक कर बैठ गया ताकि उसमें रहने वाला जानवर लौट आए तो वह दबोच ले। सचमुच उस गुफा में सियार रहता था, जो दिन को बाहर घूमता रहता और रात को लौट आता था। उस दिन भी सूरज डूबने के बाद वह लौट आया। सियार काफी चालाक था, हर समय चौकन्ना रहता था। उसने अपनी गुफा के बाहर किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान देखे तो उसे शक हुआ कि कोई शिकारी जीव माद में उसके शिकार की आस में धात लगाए बैठा हो। उसने अपने शक की पुष्टि के लिए सोच विचार कर एक चाल चली। गुफा के मुहाने से दूर जाकर उसने आवाज दी, गुफा ओ गुफा। गुफा में चुप्पी छाई रही। उसने फिर पुकारा, अरे ओ गुफा, तुम बोलती क्यों नहीं? भीतर शेर माद में सीधे बैठा था, भूख के मारे पेट कुलबुला रहा था। उसे यही इंतजार था कि कब सियार अंदर आए और उसे पेट में पहुंचा जाए, इसलिए वह उतावला भी हो रहा था। सियार एक बार फिर जोर से बोला, ओ गुफा, रोज तो मुझे पुकारती है, आज तो मुझे जवाब भी नहीं दे रही, आज चुप क्यों हो? मैंने पहले ही कहा था कि जिस दिन तुम मुझे नहीं बुलाओगी उस दिन मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अच्छा तो मैं जाऊं? यह सुनकर शेर हड़बड़ा गया। उसने सोचा शायद गुफा सचमुच सियार को अंदर बुलाती होगी। यह सोचकर कि कहीं सियार सचमुच न चला जाए, उसने अपनी आवाज बदल कर कहा, सियार राजा मत जाओ, अंदर आओ, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूं। सियार शेर की आवाज पहचान गया, उसकी मूर्खता पर हंसता हुआ वहां से चला गया और फिर लौटकर कभी नहीं आया। मूर्ख शेर उसी गुफा में भूखा प्यासा मर गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सतर्क व्यक्ति जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाता। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।